नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक ट्रेडिंग करा है 76.65 पे रिसेंटली, मीन्स 45 पैसे की गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। आज यहाँ पे कल जो गिरावट हो चुकी उसी को कंटिन्यूस देखने को मिला है सेलिंग प्रेशर पर। नीचे के साइड यहाँ पे आप देख रहे कि स्टॉक जैसे ओपन हुआ था 77 को ब्रेक करके नीचे की तरफ चला गया था स्टॉक। फिर यहाँ पे आप देख रहे कि नीचे 76 लेवल जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिव जोन है स्टॉक के लिए। स्टॉक ने वहाँ भी वहीं पर सपोर्ट लेके एक फुल बैक देखने को मिला है, बाउंस बैक देखने को मिला है। पर प्रीवियस क्लोजिंग जो यहाँ पे आप देख रहे कि उसका रेजिस्टेंस लग सकता स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हैं, तो प्रीवियस क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लगने के चांसेस नजर आ रहे हैं। मार्केट कैप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते कि 1 लाख करोड़ के ऊपर स्टेबल है। पी रेशियो भी देख सकते 17 का है जो कि अच्छा है, और डिविडेंड यील्ड भी 11% तक है जो कि बढ़िया है। पर लास्ट यहाँ पे 1 मंथ की भी बात की जाए स्टॉक की, तो पिछले 1 मंथ में देख सकते कि स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, मीन जहाँ से बाउंस बैक हुआ था 76 लेवल से वहीं पर आके रुकने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी चेक करेंगे स्टॉक के, तो 44,36,000 के वॉल्यूम जनरेट हो चुके हैं स्टॉक के अंदर। टोटली ट्रेडेड वैल्यू जो है 3,384 लाख की ट्रेडेड वैल्यू है। डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर नज़र डाली जाए तो 41 लाख में से 21 लाख क्वांटिटी जो है नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए चले गए, कुल मिला के 50%। तो चार्ट के ऊपर भी देखा जाए तो स्टॉक फिर से यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे पहले भी यहाँ पे 76 लेवल पे सपोर्ट लिया था स्टॉक ने, तो रिसेंटली भी देख सकते कि 76 लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो देख सकते कि यहाँ पे मेंटेन करता है 76 लेवल पे सस्टेन होता है तो फिर से बाउंस बैक होके ऊपर की तरफ जाने के चांसेस नजर आ जाएंगे 80 लेवल तक।